शाहरुख खान साहब के बारे में आपने पूछा था हाँ शाहरुख खान साहब के घर के बाहर दो स्ट्रीट्स हैं एक नॉर्थ में है एक वेस्ट में नॉर्थ वाली उनकी खुद की स्ट्रीट है और किसी का एक्सेस नहीं है उस पर उनके दो गेट हैं दोनों पॉजिटिव एंट्रेंस है वेस्ट वाली पॉजिटिव एंट्रेंस है नॉर्थ वाली इतनी पॉजिटिव एंट्रेंस नहीं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू तो किड्स बच्चों के लिए वो अच्छी दिशा नहीं है उनके अनुसार बट जिसके भी घर के साउथ में बिल्डिंग बड़ी होती है वो उनके लिए बहुत लाभकारी है तो शाहरुख खान जी के पीछे वाली जो बिल्डिंग जो है जो साउथ में है वो बहुत ऊंची है शाहरुख खान जी के ईस्ट में पूरा एक ग्रीन फॉरेस्ट है जो कि प्लांट्स एयर की ही डायरेक्शन है वो उनके लिए बहुत अच्छा है उनका स्विमिंग पूल सही है उनकी एंट्रेंस सही है उनका स्लोप सही है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सही हैं तो ये सोच के किया गया है या ये लक है ये ईश्वर की बात है लेकिन अब बहुत समुद्र उनके घर के सामने पॉजिटिव है अगर यही साउथ में होता तो प्रॉब्लम होती पूरा मुझे बहुत पॉजिटिव लगता है हाँ, जिसके भी घर के नॉर्थ या ईस्ट में समुद्र या पानी है वो अच्छा है साउथ या वेस्ट में है वो कंपेरेटिवली कम अच्छा है वेस्ट वाला भी अच्छा है पर साउथ वाला तो बहुत बुरा है आ, यही साउथ बॉम्बे की बात है मैं किसी बिल्डर के घर पर गया था उन्होंने मुझे बोला कि इनका काम नहीं चल रहा और मैं उन जैसे उनके घर में गया तो उन्होंने मुझे जो नक्शा दिया था किसी ने उस पर ग्रिड नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर दिया तो नक्शे पे दिख रहा कि इनके नॉर्थ में समुद्र है मैंने उनको बोला जी हो ही नहीं सकता आपका काम नहीं चल रहा कहते नहीं जी नहीं चल रहा ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा जब मैं उनके घर में गया मैंने अपने कंपस से डिग्री चेक करी इट वॉज फ्लिप्ड उनके साउथ में समुद्र है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इस तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एंटीलिया की बात करते हो कि तीन तरफ रोड है ईस्ट का टक्कर आती है ईस्ट पे टी पॉइंट लगता है और बाहर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं पूरे जो रेशियोज़ हैं वो साफ दिखाई देते हैं कि अच्छे बने लेकिन मेरा एक और मानना भी है कि अभी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो उसमें हैं हाँ जी ऐसा मुझे लगता है स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हेल्थ वहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं ऐसा मेरा मानना है वेल्थ uh, परस्पेक्टिव से इट कैन इट इज़ द बेस्ट और ऑब्वियसली आ, वो इनहेरिटेड भी चीज़ों को लेकर आए हैं उनके पास वो जीन्स भी हैं उनके पास सब चीज़ें हैं, उन्होंने मेहनत भी की है आ, सब कुछ उन्होंने किया है उन्होंने वास्तु भी किया होगा एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत सारा यकीन कर दें लेकिन जितना मैं उनके घर को समझ पाया जितना मैं भाँप पाया जितना मैं सेंस कर पाया उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके घर में नजर आती हैं या

आप ये मेरा मान अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही हजार क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ